अस्सलाम वालेकुम, घूमते फिरते पेज के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, दुआ ज़रा का केस तो सबको याद होगा क्योंकि मीडिया की हाई क्रिप्ट वो केस बना था। एक और बच्ची का केस आया है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों से उनकी वालदा की जानिब से और उनके वालदेन की जानिब से रब्ता किया गया और हमने भी उनसे वापसी रब्ता किया गया कि आखिर मुआजरा क्या है। हबीबा का केस एक नया आया है, उसकी सेम कहानी वही है जिसमें थी। इस हवाले से हम ज़ोएब जेजा से पूछेंगे क्योंकि ज़ोएब जेजा ने इसका जो केस को शुरू से देखा है और उस पर कवर। हबीबा जो है गुज़िश्ता एक माह से लगभग जो है वो लापता है घर से। तो अब दुआ ज़रा के केस में और हबीबा के केस में क्या जो है उसमें फ़र्क है, दूसरी पूछते हैं। ज़ोएब जेजा हमारे साथ है, सीनियर रिपोर्टर हैं और इनका जो है वो कैरियर इस वक्त PNN के साथ जुड़ चुका है, तो ये उस स्टोरी पर भी काम करें। ज़ोएब, क्या कहेंगे हबीबा का केस, हबीबा का केस आप उसमें क्या देखते हैं, उसमें फ़र्क क्या है? अच्छा, हबीबा का केस पहले तो मैं कादर ये बताऊं कि हुआ क्या है ताकि पता चले सुनने वालों को, देखने वालों को कि हबीबा का मामला है क्या। मामला ये है कि ये अल्फला की रिहायशी है लड़की, जिसकी उम्र जो है कम सुन है, यानी कि ये ज़ोरा का आदमी की जिस तरह उम्र थी वो बालिग नहीं थी, उसकी भी उम्र जो है वो नाबालिग यानी कि वो कम उम्र में थी, तो वो कम सुन थी, मतलब अंडर एज थी वो। यहाँ पर भी ये बच्ची जो है वो अंडर एज है, इसकी उम्र उतनी नहीं है जितनी एक होनी चाहिए थी, मतलब बालिग लड़की की जो होती है। अब मामला ये है कि इसका लिडू जो एक एप्लीकेशन है, अगर आपको मालूम हो, उस एप्लीकेशन पर एक चैटिंग का भी एक ऑप्शन आता है। तो जब आप किसी के साथ लूडो गेम खेल रहे होते हैं तो आप साथ साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। तो उस चैटिंग के दौरान पंजाब से एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला है। अब ये एक पूरा ग्रुप है जो कि फेक नेम्स के साथ और मुख्तलिफ नामों के साथ जो लड़कियां हैं खुसूसी कराची की, उनको ट्रैप करते हैं, यानी कि उनको झांसे में लेते हैं। ये लफ्ज़ आपने गौर करना है, झांसे में लेते हैं, इनको वरगलाते हैं, यानी कि जो कम उम्र बच्चियां होती हैं उनका दिमाग मिच्योर नहीं होता, यानी कि उनको जो दिमाग होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, पुख्ता दिमाग नहीं होता, यानी कि पक्का दिमाग नहीं होता जिस तरह से एक 18 साल की या 20 साल की लड़की का होता है। अब यहाँ पर जब बच्चा जो है वो कम उम्र में होता है तो वो किसी की भी बात में आ सकता है बआसानी। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि ये बच्ची इसकी बात में बहला बुसला कर, वरगला कर, मोहब्बत का झांसा देकर इसकी बातों में आ गई। फिर इनके जो सहूलतकार हैं वो कराची के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद हैं, जिसने लड़की को, एक शख्स ने सबसे पहले लड़की को घर के बाहर से लिया, फिर घर के बाहर से उसे छोड़ा सौराब गोट पर, और सौराब गोट पर जो एविडेंसेस आए हैं यानी कि जो CCTV आई उसमें देखा गया कि फिर एक दूसरा बच्चा है जो कि इस लड़की को फिर पंजाब की बस में कहाँ ले जाता है ये अब तक नहीं मालूम हो सका है। फिर बच्ची इस तरह से जो है वो कराची से चली जाती है। फिर बच्ची जब कराची से चली जाती है तो वो लोग जो ग्रुप गैंग है या ग्रो है वो फिर वालदेन को फ़ोन करता है कि अगर आपने कानूनी कार्रवाई की तो हम बच्ची को कतर भेज देंगे, हम बच्ची का शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे हैं, हम उसका बेफॉर्म बनवाने जा रहे हैं। अब वो कागजी कार्रवाई दस्तावेजात पूरे ही कर रहे थे कि इस दौरान वालदेन ने मुकदमा भी दर्ज कराया, तो फिर उन्होंने वहाँ पर लड़की का निकाह, जाली निकाह नामा बनवा दिया। अब एक इतनी कमसुन बच्ची का निकाह कैसे हो सकता है? फिर एक निकाहनामा बना के फिर वालदेन को बजरिया व्हाट्सअप वो निकाहनामा भेज दिया। अब निकाहनामा भेजने के बाद वालदेन जो है वो शिद्दत गम से निढाल हो चुके हैं, तो उनकी बच्ची मुबैना तौर पर अगवा हो गई है, लापता है, घर की सबसे बड़ी बेटी है, इतनी प्यारी बच्ची, आप यकीन करें कि आप वीडियोज़ देखेंगे आपका दिल फट जाएगा कि यार। और फिर इस पर जुल्म देखें कि पुलिस कह रही है कि हम जाएंगे तो सही लेकिन आप हमें 3 लाख रुपए दें। मुझे बताएं, रक्षा ड्राइवर इसका वालिद है अब्दुल्ला, वो कहाँ से 3 लाख रुपए जमा करेगा? 3 लाख रुपए का तकाजा कर रहे हैं कि 3 लाख रुपए रिश्वत देंगे तब हम उसको। क्या पुलिस ने कहा है? पुलिस ने कहा। आपने इस हवाले से कोई आला हुकम से बात की? हाँ, आला हुकम से बात की, उन्होंने कहा भाई महकमा दाखिला से हमने लिख के भेज दिया, वो आएंगे तब हम जाएंगे, ये तो एक अलग बात है, लेकिन वालदेन के साथ जो उनका मामला चल रहा है वो कुछ और है। वो ये है कि पहले हम जो है वो गाड़ी से जा रहे थे, बस से जा रहे थे, फिर कार में आ गए, कार से जहाज़ में आ गए। एक गरीब आदमी जो खुद रक्षा चला रहा है वो कैसे आपको जहाज़ के टिकट दे के 3 लाख रुपए दे के भेजेगा? वो तो नहीं कर सकता। खैर, ये भी बात आई गई हो गई। अब वहाँ से वो लड़की को फिर इन्होंने एक वीडियो भेजी जो आपने भी देखी, उस वीडियो में ये है, वो वीडियो भेज रहे हैं कि लड़की के ऊपर असरात हो गए। अब आप ये देखें, अगर लड़की पहले तो बकौल इनके कि लड़की खुद आई है, भाई अगर लड़की खुद आई है तो वीडियो में जो लड़की का चेहरा है और जो लड़की भाग रही है उस लड़के से, वो कह रही है पीछे हट जाओ और ये नहीं करो, तो उसका क्या मतलब होता है? यानी कि लड़की
ये कहते हैं कि चली गई। अब आप लड़की की वीडियो में अगर एक्सप्रेशन देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उसका बिहेवियर ही चेंज है, मतलब वो इनसे डर रही है, वो खौफ में है, और ये कह रहे हैं कि लड़की के साथ लड़की पर असरात हो गए और जिन इससे जिन ज्यादती कर रहा है, मतलब एक अजीब सी जो है वो स्टूपिड सी ये बात है, मैं समझता हूँ कि फजूल सी बात है। और फिर वो कह रहे हैं कि लड़की जो है वो लड़की के साथ जिन ज्यादती कर रहा है। खैर अब लड़की का अगर आप चेहरा देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब नई बात इसके अंदर यह है कि लड़की वालदेन को छुप छुप कर मैसेज कर रही है कि भाई मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। और उन्होंने पैरा दिया हुआ, दिन में एक अलग आदमी जिस पर नज़र रखता है, शाम में एक अलग आदमी जिस पर नज़र रखता है, रात में एक अलग आदमी जिस पर नज़र रखता है, तीन तीन जो लोग हैं जिस पर नज़र रख रहे हैं। और फिर ये देखें कि 12 मुख्तलिफ मकाम से पाकिस्तान में वालदेन से रबता किया जा रहा है, उनकी लोकेशन ली गई, तो पता चला कोई लोकेशन पंजाब की, कोई बलूचिस्तान की, कोई केपी की। एक इज़्ज़तदार फैमिली जो है वो क्या 12 नंबरों से अलग अलग फ़ोन करेगी, क्या फेक नंबर्स के साथ कॉल करेगी? देखें अगर कोई इस तरह का मामला हो भी जाता है तो जिसके घर इस तरह से बच्ची पहुँच जाती है वो खुद लेके बच्ची को उसके घर आ जाते हैं कि भाई आपकी बच्ची, उसको संभालो, और हमारे बच्चे ने इस तरीके से किया और हम शर्मिंदा हैं। मामला बैठ के होता है या इस तरीके से होता है जिस तरह से मंदिर आम पर आ रहा है? तो इससे जो चीज़ें फिर हमने इन्वेस्टिगेशन में देखी तो उससे ये जाहिर हुआ कि ये भी ज़ोरा काजमी की तरह एक ग्रुप गैंग की शिकल में कोई काम कर रहा है। पहले ज़ोरा, अब हबीबा, पता नहीं आगे कौन होगी, लेकिन तहकीकाती इदारों ने अब तक इस पर तहकीकात शुरू नहीं की। जब तक इसकी तहकीकात को ज़ोरा काजमी की तरह मंतक अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाएगा, ये मामला इसी तरह लटका हुआ रहेगा। अब तक पुलिस इतने वक्त गुजर जाने के बावजूद कोई छापा पुलिस की जानिब से नहीं मारा गया। कादिर, मैं आपको बताऊं, बड़ी बेहसी की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मामला हो गया। अब हुआ ये है कि इनको किसी ने शैला रजा से इनका रब्ता कराया और ये फिर शैला रजा के पास गए हैं और फिर मेहदी काजमी से भी इन्होंने रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की है, वो भी इनके रबते में है। तो बात यह है कि मामला भी यहीं तक है, फिर पटिशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। बच्ची उनके पास है, वालदैन से छुप छुप के रातों को मैसेजेस कर रही है कि भाई खुदा रहा हमें जो है वो मुझे यहाँ से निकालो और मैं बड़ा मिस कर रही हूँ अपने वालिद को। इस तरह के मैसेजेस मुझे बताया ना कि किस तरह से जो है वो लड़की उनके पास है और अब तक कोई तहकीकात नहीं हो रही। वालदैन से आपका रबता हुआ है? वालदैन से तो आप मुसलसल रबते में, वालदैन की जानब से आपको क्या कहा जा रहा है? बच्ची का जो रबता हुआ है, क्या उनके सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई रबता इनसे हुआ है, कोई ऐसी बात की गई है उनकी? देखिए लड़की का लड़की के जो वालदेन हैं उससे लड़के वाले मुसलसल रबता कर रहे हैं और कर नहीं भी रहे, लेकिन जो रबता कर रहे हैं वो भी रवैया इनका धमकी आमेज़ ही है कि हम जो है वो लड़की को बाहर ले जाएंगे, हम लड़की को यूं कर देंगे, हम लड़की को यूं कर देंगे, आप उसका निकाह करा लें। कभी कहते हैं कि हमने निकाह नहीं किया इसका, ये ऐसे ही यहाँ पर है। कभी कहते हैं हमने निकाह इसका करा दिया है, तो दो दो बातें हैं। अगर निकाह नहीं कराया तो रखा हुआ कैसे उसको, और अगर निकाह करा दिया तो फिर भी कैसे रखा हुआ है, कमसुन बच्ची, उसका निकाह कैसे करा दिया? तो कहने का मकसद ये है कि ये लड़की को, मतलब ये जो जिस तरह का ग्रुप है या जो जिस तरह का गैंग है, इस पर अगर पूरी की पूरी तहकीकात नहीं हुई, कोई GIT बननी चाहिए, कोई तहकीकाती कमीशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ बनना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि आया किस तरह आप किसी की बच्ची को ऐसे उठा के जो ले। आपने वालदेन की वीडियो देखी, वालदेन दारों दारों कतार रो रहे हैं पागलों की तरह, उनकी उनके कोई तावन करने को तैयार नहीं है, कोई इदारा उनकी मदद करने को तैयार नहीं, उनके पास वकील तक के पैसे नहीं है, उनके पास पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं है। वो मुझे बताएं कैसे वो अपनी बच्ची को वापसी लाएंगे अगर उनके पास ना। मेरी तो अपील है जो वेलफेयर करने वाले लोग हैं, इन वालदेन का सहारा बने, इनकी मदद करें, इनके घर में खाने को भी पैसे नहीं, इनके इतना बुरा तो इनका हाल है। और ये दूसरी तरफ इनकी बच्ची भी इनके पास नहीं है, तो किसी की भी बच्ची हो, बच्ची बेटियाँ सबकी बराबर होती है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर सख्त नोटिस लेने की ज़रूरत है। और शैला रजा ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया, उन्होंने खुद जो है वो उनको वकील फराम करने का भी कहा है और कोर्ट में पटिशन लगाने का भी कहा, और ये भी कहा है कि पुलिस को आप एक रुपया भी ना दें और हम इस केस को जो है वो देखेंगे जिस तरह ज़ोरा काजमी का केस देखा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात शैला रजा ने की है, और अच्छा ही हुआ कि वो शैला रजा तक उनकी रसाई हो गई और अब शैला रजा उनसे मुकम्मल रबते में, और उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई ना कोई कार्रवाई जो है उनके ख़िलाफ़ होगी। अच्छा, इसमें कल जो है वो पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं वालदेन की जानिब से, जो मेरा रबता हुआ है, तो ये जो है वो कल उनकी जानिब से जो वकील हैं वो शैला रजा की जानिब से किया गया है। अब वालदेन का जिस तरीके से जोएब ने बताया कि वालदेन इतने अमीर नहीं है कि किसी वकील का जो है वो खर्चा बर्दाश्त कर सके, तो ये अब वकील जो है वो शैला रजा ने ही उनको करके दिया है। तो अब देखना ये है कि जो केस है, केस में आप समझ तो गए होंगे कि ये केस कहाँ जा रहा है और किस नौयत का है, क्योंकि हमें माजी में भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही केसेस जो है वो कवर करते रहे हैं। तो अब ऐसी जो बच्चियाँ जो यहाँ से लेके जा रहे हैं उनके खिलाफ़ ज़रूर कोई कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा जो है यहाँ से हम सिंध हुकूमत से भी करेंगे और उन अनासर से करेंगे जो यहाँ हमारे लॉ इन्फोर्समेंट लोग हैं, उनसे भी कहेंगे, IG सिंध से कहेंगे कि इसका नोटिस लें, क्योंकि इस केस को ऐसे ना जाने दें ताकि बाप जो है वो
गरीब है, क्योंकि हर बाप जो है वो अमीर नहीं होता। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इस बाप ये भी गरीब है। जिस तरीके से जोएब को पता है कि वो बाप जो है वो रक्षा चलाता है, अब उनकी जो है मदद की जाए। लड़की अगर बयान देती है, क्योंकि बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची अभी कम उम्र है, अब बच्ची की उम्र जो है वो 13 से 14 साल है, क्योंकि बाप जो है वो बात नहीं कर पा रहे, उसकी जगह पर माँ जो है वो अपना बात कर रही है वालिद की जगह पर। और उनका ये मुतालबा है कि उस पर आला हुकाम नोटिस ले, हमारी बच्ची को जल्द से जल्द वापस कराया जाए। तो मुझे घूमते फिरते पेश को जो है वो दीजिएगा इजाज़। इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है देंगे। देखते रहिए, तब तक हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।